हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्रिएट करेंगे ब्राइडल मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट करने से पहले मैंने ब्राइडल के फेस पर CTM कर दिया था, क्योंकि समर है और इसके लिए मैंने एक मैट फिनिशिंग का प्राइमर भी यूज़ किया था, ताकि स्वेट ना आए और जो हमारे बेस का टेक्सचर है वो इवन हो जाए। आप चाहो तो प्राइमर से पहले सीरम का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सीरम एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, बट मैंने यहाँ सीरम को स्किप कर दिया है। अब मैं इनकी आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करूँगी। आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने लिया है जेल आईब्रो फिलर। आप चाहो तो आईब्रो को पाउडर फॉर्म से भी फिल कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं जेल फिलर का ही यूज़ करूँगी। इनकी आईब्रो ऑलरेडी इतनी थिक है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, बस इसकी एक शेप क्रिएट करूँगी। बट जो जेल आईब्रो फिलर होता है वो अच्छी फिनिशिंग देता है। अब मैं आईब्रो कॉम से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इनके आईब्रो में रह गया है उसको क्लीन कर दूँगी। इसके बाद मैं आईब्रो को दूंगी शेप। शेप देने के लिए मैंने यूज़ किया एक फ्लैट कंसीलर ब्रश और लिया है मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर। आप आईब्रो को सेट करने के लिए लिक्विड कंसीलर या फिर केक फॉर्म का भी कंसीलर ले सकते हैं, या फिर बेस का भी यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर जो हो वो आपकी स्किन टोन से 1 या 2 शेड ज़्यादा का हो सकता है, इससे ज़्यादा का ना लें, अदरवाइज़ वाइट वाइट हो जाएगा फेस। और अब मैंने यहाँ पे इसको ब्लेंड कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्लेंड करने के बाद में हम अब करेंगे आई मेकअप, और आई मेकअप से पहले हम बनाएंगे आई का बेस, जिसके लिए मैंने इनसाइड का ही कंसीलर यूज़ किया है। आई मेकअप बेस के बाद भी कर सकते हो या फिर बेस से पहले भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक हैं, बट बिगिनर्स को मैं सजेशन करूँगी कि बेस से पहले ही आई मेकअप कर ले, अदरवाइज़ आई शेडो से आपका बेस ख़राब हो सकता है या अंडर आई एरिया में कलर दिख सकते हैं, तो इसलिए आप पहले ही आई मेकअप कर लीजिए। बेस को मैंने यहाँ पर लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर बनाना पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो। आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने ब्राउन शेड लेकर क्रीज लाइन पर उसे अच्छे से किया है ब्लेंड। आई शेडो को ब्लेंड करने के बाद में मैं अब क्रीज कट करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ कट क्रीज आई मेकअप कर रही हूँ। अगर आपको कोई ग्लिटर शेड अप्लाई करनी है तो आप क्रीज कट ना करें, आप उसकी कोई भी मैट शेड लगाकर उसके ऊपर शिमर अप्लाई कर सकते हो। और अब मैं शिमर में गोल्डन शेड लेकर अप्लाई करूँगी, जहाँ पर मैंने क्रीज कट किया है वहीं पर अप्लाई करना है।
ये आई मेकअप बहुत ही इजी है, तो आप इसको सिंपली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो और ये बहुत क्विकली भी हो जाता है। शिमर शेड को आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, फिंगर से बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होकर अच्छी शाइन देता है। अब मैं एंड ऑफ आई कॉर्नर पर यूज़ करूँगी ब्लैक आई शेडो और यहाँ पर मैं वी शेप क्रिएट करूँगी, तो इसके लिए मैंने फ्लैट मिनी ब्रश लिया है और ब्लैक आई शेडो लेकर उसको अप्लाई किया है। जब भी आप ब्लैक आई शेडो की एप्लीकेशन करते हो तो ध्यान रखें प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ करें, क्योंकि ब्लैक आई शेडो बहुत ज़्यादा कलर देता है, तो एकदम से ब्लैक जो होगा आई पे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो लाइट ही रखें, ज़्यादा डार्क ब्लैक ना करें उसको। और जो यहाँ पर ब्लैक आई शेडो और रेड आई शेडो के बीच में जो लाइन क्रिएट हुई है वो विजिबल ना हो, उसको मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन आई शेडो को लेकर ब्लेंड किया है। जब भी आप दो डार्क आई शेडो यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनके बीच में जो लाइन है वो दिखाई ना दे, उसे किसी लाइट कलर से मिक्स एंड मैच कर दीजिए। और अब आई शेडो कम्प्लीट लग जाने के बाद में मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर जेल लाइनर। जेल लाइनर मैं क्लासिक वाला ही अप्लाई करूँगी यहाँ पर। और मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया था जो कि क्लिप छूट गई थी मुझसे। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इनसाइड कॉस्मेटिक का बेस, जो कि मैं अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी, जो कि है येलो टोन का। और बेस को आप चाहो तो फिंगर से ब्लेंड कर दीजिए या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और बेस के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है फिटमी का फाउंडेशन और लिया है एक फाउंडेशन ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को करूँगी ब्लेंड, नेक एरिया और ईयर को भी नहीं छोड़ना है। और बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बनाना पाउडर, अंडर आई एरिया में मैंने यूज़ किया है लूज पाउडर। फेस को शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इनसाइड कॉस्मेटिक की कॉन्टोरिंग। फोरहेड इनका काफ़ी छोटा था तो इसलिए मैंने फोरहेड पर कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं की है, बाकी चीक बोन्स, नोज एरिया और जॉ लाइन पर मैंने कॉन्टोरिंग अप्लाई की है कॉन्टोरिंग ब्रश की हेल्प से। कॉन्टोरिंग को सही डायरेक्शन में मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से कर दूंगी ब्लेंड। कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के बाद में मैंने लूज पाउडर से किया है कॉन्टोरिंग को कट, ताकि हमारी कॉन्टोरिंग जो है शार्प दिखाई दे। अब मैं जो भी इनके फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए फिटमी का ही कंसीलर लेकर उनको हाईलाइट करूंगी। और अब मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का ब्लशर। ब्लशर मैंने लिया है लाइट पिंक शेड का। और हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ की है स्विस ब्यूटी की ही हाइलाइटर पैलेट।
हाइलाइटिंग के बाद में अब मैं यहाँ पर इनके लोअर आई का मेकअप करूँगी, जिसके लिए मैंने ब्राउन शेड लिया है और उसको मैंने बहुत अच्छे से स्मच कर लिया है। ब्राउन शेड को स्मच करने के बाद मैंने ब्लैक शेड ली थी और ब्लैक शेड को भी वापस से वहीं पर स्मच किया था, ताकि एक स्मोकी सा लुक आईज के नीचे दिखाई दे। और अब मैं करूँगी इनके लिप्स की आउटलाइन, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ADS की आउटलाइनिंग पेंसिल, जिसकी शेड है रेड। और अब लिपस्टिक ब्रश लेकर इनसाइड कॉस्मेटिक की रेड शेड की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी मैं इनके, जहाँ पर भी मैंने आउटलाइन की थी उसके अंदर अंदर ही इसको फिल करूँगी। और अब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है इनके फेक आईलैशेस। आईलैशेस अच्छे से स्टिक करने के लिए उस पर ग्लू लगाने के बाद कुछ सेकंड का वेट करें, उसके बाद ही आईलैशेस को स्टिक करें, वो अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। और मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और जो भी इनकी ज्वेलरी वगैरह थी वो इनको पहना दी गई है। इसके बाद में इनका फाइनल लुक यहाँ पर हो चुका है रेडी। तो ये था इनका ब्राइडल मेकअप लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।